नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि लेखपाल की वैकेंसी के लिए पिछले 2 साल से काफी लोग इंतजार कर रहे थे, बीच में वैकेंसी आई भी थी जिसमें ओबीसी का पद नहीं था, जिसकी वजह से फिर से उसको कैंसिल किया गया और इस बार फिर वैकेंसी, ऐसा कहा गया है कि वैकेंसी जो है वो लॉकडाउन के बाद आएगी और ये फैक्ट है, वैकेंसी आना ही आना है, वैकेंसी आएगी, ये एग्जाम भी करवाएंगे, रिजल्ट भी निकलवाएंगे क्योंकि 2 साल बाद चुनाव है और इनको ये दिखाना पड़ेगा कि इन्होंने कितना रोजगार दिया है। इसीलिए हमको इस नौकरी की तैयारी में आज ही से जुड़ जाना है, अभी से जुड़ जाना है और इसको करना है। और जो आज का टॉपिक है वो जनरली मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं, मेरा नाम गौरव पांडे है, अभी शुरू में मैंने आपको बताया, तो हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसको बोलने के बाद ही लोगों को ये लगता है कि अब ये हड़प्पा से चालू कर देंगे और अंग्रेजों तक पढ़ाएंगे, फिर गांधी जी की मृत्यु के बारे में बताएंगे। लेकिन क्या है कि इतिहास सिर्फ यही नहीं है, आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। क्योंकि आप एक राजस्व विभाग की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सारी बातें कृषि से जुड़ी हुई आती हैं, तो कृषि की शुरुआत भी जो है वो इतिहास से ही मानी जाती है। इतिहास मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि किसने क्या बनवाया, किसने क्या किया, क्या नहीं किया, इतिहास में कृषि भी है, ठीक है। अगर इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट देखा जाए तो धन निकासन प्रणाली भी है, ठीक है। अगर राजनीति की बात की जाए, पॉलिटी सब्जेक्ट की बात की जाए तो इसमें एक्ट भी है। इसीलिए इतिहास बेहद ही लाजवाब सब्जेक्ट है, इसीलिए मैं इसको इतिहास चूज किया पढ़ाने के लिए, क्योंकि इतिहास पढ़ाने का मजा ही अलग है, इसमें सारे जीएस इंक्लूड हो जाते हैं। जैसा कि हमारे संस्था के द्वारा आलोक सर और रवि सर के मार्गदर्शन में लेखपाल की वैकेंसी को, लेखपाल के बैच को रन किया जा रहा है और ये लेखपाल का बैच इसलिए रन किया जा रहा है ताकि आपको सफलता मिले, आप सफल हो और हम भी यही चाहते हैं कि आप सफल हो, क्योंकि जब आप सफल होंगे तो आपकी सफलता हमारी सफलता का कारण बनेगा। हमारे बैच में जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सा फोन उठाना है, फोन में व्हाट्सअप करना है और जैसा कि मैं जान रहा हूं इस समय लॉकडाउन चल रहा है, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आप लोग यही कर रहे होंगे, तो कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सा एंट्री लेखपाल करके इस नंबर पे आपको मैसेज कर देना है, उसके बाद संस्था के द्वारा आपको कॉन्टेक्ट किया जाएगा और आपको हमारे बैच से जोड़ दिया जाएगा। जैसा कि हमने अभी क्लास की शुरुआत में आपसे क्या कहा कि आप जिस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं ये भू राजस्व मतलब जमीन से जुड़ी हुई एकदम, हम लोग चूंकि हम भी किसान फैमिली बैकग्राउंड से हैं और मुझे उम्मीद है जितने लोग तैयारी कर रहे होंगे इसमें से भी 90 से 95% लोग जो है वो किसान फैमिली बैकग्राउंड के होंगे। लेकिन चूंकि आधुनिकीकरण हो रहा है हमारे देश में, हमारे समाज में, इसीलिए कई सारी चीजें हम अपनी कृषि से जुड़ी हुई भूल गए। इसीलिए जैसे लेखपाल की वैकेंसी होती है, वीडियो का होता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर लेखपाल का आता है, सॉरी मंडी परिषद का एग्जाम आता है, तमाम चीजें जो है ये जमीनी स्तर से जुड़ी हुई नौकरियां हैं जिसमें हमें अपने जमीन के बारे में जानना आवश्यक है। और ये कृषि और कृषि के साथ साथ कृषि में सुधार, भू राजस्व का जो सुधार है, ये सारी चीजें आज से नहीं दोस्तों, ये प्राचीन भारत से चालू हो गई थी। जैसे कि आधुनिक भारत जो पढ़े होंगे, जो बंदे तैयारी कर रहे होंगे, हमारे दोस्त लोग जिनको क्या कहते हैं आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने स्थायी बंदोबस्त, ट्रायल एंड एरर मेथड, तमाम प्रकार की चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन इसकी शुरुआत अभी से नहीं, प्राचीन काल से, ईसा पूर्व से हो जाती है। क्योंकि ये जो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहां से लेखपाल में पक्का 2 या 3 प्रश्न आने ही आने हैं, ये डैम श्योर आना ही आना है, क्योंकि अब वो जमाना चला गया कि ये पूछेगा कि गांधी ने किस में ना क्या कहते हैं महात्मा की उपाधि धारण की, अकबर ने क्या बनवाया, ये सब सवाल जो है अब बहुत रेयर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन का लेवल बढ़ चुका है, कॉम्पिटिटर लोग बढ़ चुके हैं और इसलिए एग्जाम के पूछने का तरीका भी बदल जाएगा। और एग्जाम के पूछने का तरीका बदलेगा तो जाहिर सी बात है एग्जाम जो है ये भी अपने लेवल को बढ़ाएगा। तो कृषि की शुरुआत कब से होती है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है, ध्यान से दोस्तों इस टॉपिक को देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आईएएस की, चाहे पीसीएस की, चाहे लेखपाल की, ये सारे लिए चीजों के लिए जरूरी है, बस अपने अपने लेवल को अपने हिसाब से बांट लीजिएगा। कृषि की शुरुआत जो है भारत में, पहले हम कृषि की शुरुआत बताएंगे, फिर कृषि में सुधार कैसे होगा, और जब कृषि में सुधार होगा तो जाहिर सी बात है लगान व्यवस्था भी होगी, और लगान व्यवस्था होगी तो जाहिर सी बात है जमींदारों का उदय होगा, और अगर जमींदारों का उदय होगा तो यह भी सत्य बात है कि जमींदार होंगे तो जिसकी वजह से फिर लोगों से, किसानों से कड़े रूप में लगान वसूला जाएगा और वो किसानों की जो उपज है उस पर असर पड़ेगा। और किसान का जो मुद्दा है ये आज से नहीं, भारत में बहुत पहले से ही चला आ रहा है। तो भारत में कृषि की शुरुआत जो है, जब भी हड़प्पा कोई पढ़ते हैं तो लगभग 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के मेहरगढ़ से मिलती है। कब से? लगभग 7000 ईसा पूर्व
पाकिस्तान के मेहरगढ़ में, समझिएगा बात को। अब देखिए, चाहे यहां से आपको भू राज्यों से जुड़ा हुआ सवाल आ जाए और या चाहे यहां से आपको आ जाए इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल, तो 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के मेहरगढ़ में गेहूं और जौ की खेती की शुरुआत हुई थी। किसकी किसकी? गेहूं और जौ की। लेकिन चूंकि हम भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, भारत के भू राज्य संबंधी सुधार के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए भारत में जो कृषि की शुरुआत है वो लगभग 9000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। और 9000 ईसा पूर्व में संत कबीर नगर के लहुरा देव में कृषि की शुरुआत हुई थी भारत में। इसीलिए कृषि आज से नहीं, प्राचीन काल से लेकर आज तक जो हमारे मुख्य आय का स्रोत है वो कृषि को ही माना गया है। जैसे हड़प्पा सभ्यता अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, मौर्य वंश में आय का मुख्य स्रोत कृषि था, गुप्त काल में आय का मुख्य स्रोत कृषि था, अलाउद्दीन खिलजी ने कृषि सुधार किए, सिकंदर लोदी ने किया, शेरशाह सूरी ने किया, अकबर के शासनकाल में टोडरमल ने किया, फिर हॉर्ट मैकेंजी, जॉन सोर, थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड, इन लोगों ने भी भूमि सुधार का काम किया। तो कृषि की शुरुआत यहां से होती है। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जब कृषि की शुरुआत हुई तो कृषि से पैसे आने लगे, और जब कृषि से पैसा आने लगा तो फिर क्या हुआ, कृषि संबंधी सुधार किए गए। और कृषि संबंधी सुधार की बातें सर्वप्रथम हम मौर्य काल में एक साक्ष के रूप में देखते हैं। कैसे साक्ष के रूप में देखते हैं? क्योंकि जो चाणक्य है उसने एक पुस्तक लिखा है अर्थशास्त्र। देखिए, आज ये जो ये वीडियो अभी मैं आपको दे रहा हूं ये सुबह डाला गया था, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर की वजह से क्या कहते हैं उस वीडियो को हटाया गया है, और उसमें जो आवाज है, कई सारे हमने कमेंट्स देखा कि सर आवाज की वजह से काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आवाज नहीं क्लियर आ रही है, इसलिए हम आज फिर से ये वीडियो आपके लिए अपलोड किए हैं। वही वीडियो नए तरीके से, नए अंदाज से, नए मेहनत से, और आप इसको जरूर देखिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चूंकि आज एक मई है, आज लेबर डे है, हर इंसान लेबर है, चाहे हम हो चाहे ईटा ढोने वाला हो, हर इंसान लेबर है। जो इंसान अपने लिए या दूसरों के लिए मेहनत करता है वो लेबर है, इसलिए लेबर डे की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी और हमको भी। तो हमने क्या कहा कि चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में तीन प्रकार की भूमि की बात की, कृष्ट भूमि, आकृष्ट भूमि, अदेव मात्रक भूमि। कृषि भूमि होती थी जुती हुई भूमि। अब देखिए, इतने टिपिकल शब्द को भी रिलेट कर रहे हैं। आकृष्ट भूमि होती थी बिना जुती हुई, मतलब बंजर भूमि, और अदेव मात्रक भूमि होती थी ऐसी भूमि जिसमें बिना वर्षा के वर्ष भर फसल का उत्पादन किया जाता था। आज भी ऐसी भूमि होती है जिनको हम जोत कर कृषि का उत्पादन करते हैं, ऐसी बंजर भूमि भी होती है जिन्हें हम जोत नहीं सकते, और उसके साथ साथ ऐसी उपजाऊ भूमि भी होती है जहां पर बिना सिंचाई के भी फसल का उत्पादन होता है। तो हमने क्या कहा कि चाणक्य ने, समझिएगा, मौर्य वंश से शुरुआत हो जाती है, चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, हो सकता है आपको यह सवाल ऐसे पूछ दिया जाए कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की, या मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, तो चाणक्य। तो चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में तीन प्रकार की भूमि का जिक्र किया। पहली कृष्ट भूमि, दूसरी आकृष्ट भूमि, और तीसरी अदेव मात्रक भूमि। कृष्ट भूमि मतलब क्या हुआ, मैंने अभी बताया, जुती हुई भूमि। आकृष्ट मतलब हुआ बिना जुती हुई भूमि, और अदेव मात्रक हुआ ऐसी भूमि जहां पर बिना वर्षा के, समझिएगा, बिना वर्षा के वर्ष भर उत्पादन होता या वर्ष भर फसल होती हो। ये तीन प्रकार की भूमि का जिक्र आया। अब देखिए, ये चीजें शुरू से लागू है, अगर हम किसी चीज में सुधार करेंगे तो उन चीजों को फिर हम क्या करेंगे, राजस्व लगाएंगे, कर लगाएंगे। इसीलिए ये जो टॉपिक है भू राजस्व सुधार या कृषि सुधार और भू राजस्व व्यवस्था पे है। कर की जो शुरुआत हुई थी कृषि से जुड़ी हुई वो मौर्य काल से ही हो गई थी, जिसमें मुख्य तीन प्रकार के करों की बात कही गई थी। कौन कौन सा कर था? पहला कर था
सीता कर। सीता, सीता शब्द आता है ना सीता मां, सीता मां का जन्म कहां से हुआ था? जमीन से। अगर सीता मां का जन्म जमीन से हुआ था तो जाहिर सी बात है यहां पर जमीन से जुड़ी हुई बात की जा रही है। तो मौर्य काल में जो भू राजस्व कर था, देखिए अलग अलग पेन से लिख दे रहा हूं, जो भू राजस्व कर था उसे सीता कर कहा गया। एक और कर था जिसे भाग कहा जाता था, भाग। अब भाग शब्द से ही आपको यह बात पता चल रहा होगा कि हम किसी चीज के भाग की बात कर रहे हैं। तो किसके भाग की बात कर रहे हैं? उपज के भाग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो उपज के आधार पर जो कर होता था, उपज का जो कर होता था वो भाग होता था, कि भाई हम खेती करेंगे इतना भाग राजा को देंगे, इतना भाग किसान के पास रहेगा। एक और कर था और इस कर की शुरुआत वैदिक युग से ही हुई थी, जिसे हम बलि कर के नाम से जानते हैं। बलि कर भी जो था यह भी एक प्रकार का राजस्व कर था। जनरली आज से कमेंट्स में देख रहा था तो कई सारे लोगों ने कहा सर बलि कर था क्या? देखिए बलि कर जो है यह वैदिक युग से चालू हुआ। ऋग वैदिक में यह स्वेच्छा अनुसार दिया जाता था, मतलब कोई जबरदस्ती नहीं थी, और उत्तर वैदिक में क्या हुआ, इसे देना अनिवार्य कर दिया गया। ये एक प्रकार का राजस्व कर था, लोग राजा को या तो फसल भी दे सकते थे या तो नगद भी दे सकते थे, उनके ऊपर डिपेंड है, इसी को बलि कर कहा गया। लेकिन इन सब की जो मुख्य रूप से शुरुआत होती है भारत में वो मौर्य काल से होती है। अब चूंकि भाई ये भूमि सुधार को देखने के लिए और इन करों को देखने के लिए कोई ना कोई अधिकारी होगा, भाई जैसे आप लेखपाल बनेंगे, आप किसी किसी ना किसी पोस्ट पे अधिकारी रहेंगे, चीजों की जांच पड़ताल करेंगे, तो उसी प्रकार इनकी भी जांच पड़ताल करने के लिए किसी ना किसी अधिकारी की नियुक्ति होगी। तो जो भू राजस्व अधिकारी था मौर्य काल में उसे सीता अध्यक्ष कहा गया। क्या कहा गया? सीता अध्यक्ष। ये सब जो पॉइंट्स हैं, ये जो देख रहे होंगे, जो पीसीएस तैयारी कर रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि सर ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये लेखपाल के लिए भी यहां से भी सवाल आपको पूछ सकता है कि मौर्य काल में भू राजस्व अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो उनको क्या कहा जाता था? सीता अध्यक्ष कहा जाता था। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ मौर्य काल में, समझिएगा, धीरे धीरे क्या हुआ कि मौर्य काल से भूमि सुधार चालू हुआ, फिर मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल आया, फिर गुप्त काल आया। गुप्त काल में भूमि के प्रकार वही थे लेकिन करों को बढ़ा दिया गया। करों को बढ़ाने का मतलब यह है कि भाई अगर किसी भी चीज के मुख्य का स्रोत, मुख्य पैसे आने का स्रोत, भाई अगर मेरे पास पैसा टीचिंग से आ रहा है तो जाहिर सी बात है मैं चाहूंगा मुझे कई सारे बैचेस मिले। जैसे मेरे पास, आपके पास पैसा आने का स्रोत नौकरी पाना है तो आप चाहेंगे उच्च अधिकारी बने। तो अगर कृषि ही स्रोत है पैसा आने की तो भाई उसमें तमाम प्रकार के कर लगाएंगे। और गुप्त काल में आय का जो मुख्य स्रोत हुआ वो कृषि हुआ, और इन्होंने जो उपज का लगान या कर लगाया वो 1/4 से 1/6 हिस्से में लगाया। तो हमने क्या कहा, गुप्त काल में आय का जो मुख्य स्रोत था वो थी कृषि, और इन्होंने भी कर लगाया। एक कर भाग था जो मौर्य काल में हमने आपको बताया, ये उपज का हिस्सा था, इसे भाग कहा गया। एक हिस्सा था भोग। भोग लोग कहते ना भैया भोग लगा दीजिए, भैया भोग की वस्तु में। ये ऐसा कर था जिसे दैनिक कर कहा गया। दैनिक माने रोज, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर। तो दैनिक कर था जो कि राजा को दिया जाता था, इसमें फल फूल सब्जियां इत्यादि दी जाती हैं। अब अगर बात फल और सब्जियों का आ गया तो जाहिर सी बात है वो खेती से जुड़ा है, अगर वो चीज देना है तो लॉजिक सी बात है कर है। तो भोग जो था वो दैनिक कर था। क्या था? दैनिक कर था जो राजा को दिया जाता था फल और सब्जियों के रूप में। इसके बाद एक और कर था जिसे उद्रंग कर कहा गया। मान लीजिए कि सीमाएं होती हैं, मानना क्या, राजा की सीमाएं होती हैं। जैसे राजा का मान लीजिए सीमा है,
लेकिन सीमा के बाहर भी कुछ राज्य होते हैं और कई सारे होते हैं जिनकी खुद की खेती होती है, खुद का मतलब कृषि होता है, और कई सारे लोग होते हैं जो दूसरों के खेत में काम करते हैं। तो इसीलिए मौर्य काल में दो कर और आए, उद्रण कर और ऊपरी कर। उद्रण कर क्या था? यह स्थायी किसानों से लिया जाता था, और जो ऊपरी कर था यह अस्थायी किसानों से लिया जाता था। किससे? मैंने कहा स्थायी किसानों से और अस्थायी किसानों से। और जो इन्होंने कर का वो बनाया डाटा की कितना से कितना लेना था, तो गुप्त काल में जो कर था वो 1/4 से 1/6 भाग के बीच में लिया जाता था। तो देखिए आप तैयारी भले किसी की भी करिए, लेकिन चीजों की शुरुआत पहले से होती है। अगर भूमि नहीं होती तो लेखपाल की वैकेंसी नहीं होती, अगर गांव नहीं होता तो वीडियो की वैकेंसी नहीं होती। यही रीजन है जो सारी चीजें ये इतिहास से जुड़ी हैं। हम इतिहास को क्यों उस तरह समझते हैं जिस तरह लोग हमें समझाना चाहते हैं? इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस इसे पढ़ना कैसे है ये हमें नहीं पता होता है। तो कृषि की शुरुआत हमने देखी, मौर्य काल में भू राजस्व सुधार और कर देखे, और फिर गुप्त काल में भी हुआ। लेकिन दक्षिण भारत में भी कृषि में काफी सुधार किया गया। चोल वंश के शासकों ने भू नाप कर, मतलब क्या, भूमि नाप कर राजस्व कर लेने का डिसाइड किया। बहुत बढ़िया बात, यहीं से चालू हो जाती है भूमि की मापन। पहले क्या होता था, खेत देख लिए, हाँ इतना बड़ा है, ठीक है भाई इतना हिस्सा हमको चाहिए, बाकी हिस्सा किसान ले जाए। लेकिन फिर क्या हुआ कि भूमि नापना पड़ा। नापना मतलब क्या, कि एक गांव में कई सारे किसान हैं, सबके पास बराबर भूमि तो है नहीं। जैसे मान लीजिए कि किसी के पास 100 बीघा है, किसी के पास 50 बीघा है। अब आप राजस्थान चले जाएंगे तो जैसे हमारे दोस्त हैं उनके पास 200 बीघा, 300 बीघा तक खेत। और अभी आप क्या कहते हैं, कहीं उत्तर प्रदेश चले, किसी के पास 2 ही बीघा है 1 ही बीघा है। तो अगर कर सबके ऊपर एक समान रहेगा तो प्रेशर पड़ेगा। तो भूमि नाप कर कर देने का डिसीजन हुआ कि भाई जिसके पास जितनी भूमि है वो उसी प्रकार कर देगा। तो इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे आप, लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में समझिएगा, दक्षिण भारत में चोल वंश के शासकों ने, किसने, चोल वंश के शासकों ने भूमि की पैमाइश करके, मतलब भूमि नाप कर, आपके सर ने आपको पढ़ाया होगा तमाम प्रकार की जमीनों का डायमेंशन, लेकिन जमीनों के डायमेंशन पैदा कहां से हुए ये हम बताएंगे, इतिहास बताएगा। भूमि की पैमाइश करके इन्होंने राजस्व का निर्धारण किया। देखिए दोस्त, आप एक विद्यार्थी हैं, या हो सकता है आप कहीं नौकरी भी कर रहे हैं, ठीक है प्राइवेट ही कर रहे हो, हम भी प्राइवेट कर रहे हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या है, हमारे दिमाग में हमेशा प्रश्न चलने चाहिए कि अगर ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। तो हमने क्या कहा कि दक्षिण भारत में चोल वंश के शासकों ने भूमि की पैमाइश करके राजस्व का निर्धारण करना चालू किया। अब अगर ये राजस्व का निर्धारण करना चालू कर रहे हैं और भूमि नाप रहे हैं तो किसी ना किसी मेजरमेंट का प्रयोग करेंगे, समझिएगा, किसी ना किसी मेजरमेंट का प्रयोग करेंगे। इसीलिए भूमि नापने के लिए ये जिस मेजरमेंट का प्रयोग करते थे उसे बेली कहा गया। क्या कहा गया? बेली कहा गया। और इनका जो राजस्व था, इनका जो भूमि राजस्व कर था, उसे आयाम कहा गया। क्या कहा गया? आयाम। ये सब वर्ड थोड़े टिपिकल हैं, लेकिन यही सब वर्ड अभी आगे आने वाले मध्यकालीन और आधुनिक भारत में एक आधार भूमि बनेंगे, आधारशिला बनेंगे अप्लाई करने के लिए। तो कभी भी आपसे पूछा गया कि दक्षिण भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने भूमि पैमाइश करके राजस्व कर का निर्धारण किया, तो आप कहिएगा चोल वंश के शासकों ने सबसे पहले भूमि पैमाइश करके राजस्व का निर्धारण किया, और इन्होंने जिस इकाई का प्रयोग किया जमीन नापने के लिए उसे क्या कहा गया? वेली कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसको लिखना है तो लिख लीजिए। भारत में अगर देखा जाए कि मुख्य रूप से, समझिएगा, भारत में मुख्य रूप से
भू राजस्व का निर्धारण भूमि को आधार बनाकर जो किया गया वो मध्यकाल से किया गया। याद रखिएगा, भारत में मुख्य रूप से भूमि को आधार बनाकर भू राजस्व का निर्धारण जो किया गया वो मध्यकाल से किया गया, और अलाउद्दीन खिलजी सर्वप्रथम शासक था जिसने भूमि की पैमाइश की, और भूमि की पैमाइश करवाकर, मध्यकालीन की बात कर रहा हूं, भूमि की पैमाइश करवाकर और उपज का आकलन करके राजस्व का निर्धारण किया। समझते जाइए, एकदम क्रम से समझते जाइए। हमने क्या कहा कि अलाउद्दीन खिलजी सर्वप्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश करके और उपज का आकलन करके भू राजस्व का निर्धारण किया। अब यहां से कई सारी चीजें बदलती जाएंगी, और जो चीजें यहां से बदलती जाएंगी वो आधुनिक भारत की पृष्ठभूमि बनाती हुई चली जाएंगी। किसकी पृष्ठभूमि? आधुनिक भारत की पृष्ठभूमि बनाती हुई चली जाएंगी दोस्तों। तो हमने क्या कहा कि मध्यकालीन भारत में अलाउद्दीन खिलजी सर्वप्रथम सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी आपको पता है अपनी बाजार प्रणाली के लिए, प्रशासनिक सैन्य व्यवस्था के लिए, दाग और उलिया प्रथा, उसके बाद सर्वप्रथम मुसलमानों पर कर लगाने वाला, उसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व में भी काफी सुधार किए, और इसने पहली बार भूमि की पैमाइश और उपज के आकलन के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया। अब अगर यह भूमि की पैमाइश कर रहा है तो यह भी कोई ना कोई इकाई लेगा, यूनिट लेगा, जिससे यह जमीन नापेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि पैमाइश के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया उसे बिस्वा कहा गया। आप जानते हैं बिस्सा क्या होता है, लेकिन आज के बाद से आप यह जान जाएंगे कि बिस्सा आया कहां से। बिस्वा जो होता है इसका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग डायमेंशन है, कहीं पर 1275 स्क्वायर फीट होता है, कहीं पर 1325 स्क्वायर फीट होता है, ऐसे करके 480 नहीं होता है। मैंने किसी के कमेंट्स में देखा था 480 नहीं होता, 480 डेसिबल होता है, वो भी आगे बताएंगे। तो हमने क्या कहा कि इसने बिस्वा प्रणाली का उदय किया, और जब भाई ये विश्व प्रणाली कर रहा है, विश्व प्रणाली से जमीन को नाप रहा है और भू राजस्व निर्धारण कर रहा है, तो भू राजस्व को कलेक्ट करने के लिए, उसके कलेक्शन के लिए कोई ना कोई अधिकारी होगा। यही रीजन है इसने भू राजस्व को वसूलने के लिए चौधरी मुकद्दम और खुत नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। ये सवाल आ सकता है आपको, 99% श्योर हूं कि दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा गया, तो आंसर आपका हो जाएगा चौधरी। लेकिन कभी कभार ऐसा होता था कि हम एक बार में सारे लगान नहीं ले सकते थे। भाई मान लीजिए कि आज इस बार उपज नहीं हुआ तो पूरा लगान नहीं दे सका। यह सुविधा देने वाला केवल शेर शाह सूरी था कि आप एक साल में दो बार अपने लगान को दे सकते हैं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या था कि जब मनुष्य एक बार में भू राजस्व नहीं दे सकता था, तो अलाउद्दीन ने एक और अधिकारी की नियुक्ति की थी जिसे कहा गया दीवाने मुस्तकराज। क्या कहा गया? दीवाने मुस्तकराज, जो बकाया राजस्व की वसूली करता था। बकाया राजस्व की क्या करता था दोस्तों? वसूली करता था। और फिर यहीं से चालू हो जाता है भारत में आधुनिक तक भूमि को नापना और नापने के आधार पर चीजों को, भू राजस्व को निर्धारित करना। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के बाद तुगलक वंश का शासक हुआ मोहम्मद बिन तुगलक। समझिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, लोग इसे पागल बादशाह भी कहते थे क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था, और जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है उसको लोग पागल ही कहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। प्लीज अन्यथा मत लीजिएगा, हास्यास्पद चीजें हैं, अगर लगातार लेक्चर में पढ़ाया जाए तो इंसान को बोरियत लगने लगती है।
तो हमने क्या कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कृषि से जुड़ी हुई कई सारे सुधार किए। कैसे, समझिएगा। इसने कई सारी नीतियां अपनाई थी जो कि असफल रही, और उसी नीतियों में इसकी एक नीति थी दोआब के क्षेत्र में कर वृद्धि। दोआब का क्षेत्र कहने का मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, और इसने जिस साल दोआब के क्षेत्र में कर वृद्धि की उसी साल अकाल पड़ गया था। लगभग 7 साल तक अकाल था। भाई अकाल है तो किसान पीड़ित भी होंगे, पीड़ित होंगे तो उनको पैसे भी चाहिए। यहीं से किसानों को कर्जा देने की प्रथा की शुरुआत होगी। जैसे आजकल जब भी कोई राजनीतिक पार्टी होती है वो कहता है कि हम सत्ता में आएंगे तो किसानों के कर्जे को माफ करेंगे, किसानों के कर्जे को माफ करेंगे। कहना नहीं चाहिए राजनीतिक मुद्दा, यहां पर 68,000 करोड़ रुपए उन्होंने माफ कर दिया चोरों का, और किसानों का कर्जा ये नहीं माफ कर सकते। खैर, सबके अपने अपनी सोच है। तो किसानों का कर्जा मतलब क्या, जो किसान अपनी भूमि की उपज के लिए, खेती के लिए या अकाल के समय जो राहत लेते हैं सरकार से, उसी को ये कर्जा नाम दिया गया, जिसे हर सरकार माफ करने की बात कहती है। और इस कर्जे की शुरुआत करवाने वाला जो था वो कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने, समझिएगा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही नामक, समझिएगा दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही नामक एक कृषक विभाग का गठन किया था। किसका गठन किया था, कृषक विभाग का। और ये जो किसानों को ऋण देता था, ये जो किसानों को ऋण देता था उसे तकवी ऋण कहा गया। क्या कहा गया, तकवी ऋण। अब किसान को ऋण दे रहे हैं तो भाई लेखा जोखा भी कहीं लिखना होगा, इसीलिए सबसे पहले अकाल संहिता तैयार करवाने वाला भी जो शासक था, वो कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। और यही नहीं, इसी ने क्या किया, सुनिए बात को, इसी ने क्या किया कि एक नई भूमि पैमाइश प्रणाली लाई, और उस भूमि पैमाइश का नाम दिया गया दशमलव, ठीक, जिसे डेसिमल कहते हैं। पश्चिम बंगाल में यही भूमि पैमाइश चलती है, क्योंकि हमारी पढ़ाई एक ही पश्चिम बंगाल से हुई है। डेसिमल और डेसिमल या दशमलव पद्धति जो होता है ये 425 स्क्वायर फीट के आसपास होता है, इसीलिए कहा जाता है कि 4 डेसिमल या 3.5 डेसिमल बराबर 1 बिस्सा होता है। तो दशमलव पद्धति की शुरुआत करवाने वाला भी कौन हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो बिस्का भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है, उसने भी किसानों के लिए राहत के कार्य किए, और उसने किसानों के राहत कार्य के लिए क्या किया, नहर का निर्माण करवाया। जनरली दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले नहर का निर्माण करवाने वाला गयासुद्दीन तुगलक है, लेकिन सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाने वाला फिरोज शाह तुगलक था। और जब नहरों का निर्माण करवाएगा तो इसने हब ए सर्व नामक सिंचाई कर भी लगाया था, और इसने कृषि के साथ साथ फलों के बागान को भी ज्यादा टारगेट किया, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले फलों के बागान लगवाने वाला जो था वो कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। कुछ किताबों में गलत लिखा है अलाउद्दीन, उसको इग्नोर करिएगा। तो कृषि संबंधी सुधार आप मध्यकालीन में देखिए अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहे हैं, और ये अपनी चरम सीमा पर पहुंचते पहुंचते एकदम पीक पर पहुंचेंगे आधुनिक भारत पे। अलाउद्दीन ने सबसे पहले भूमि पैमाइश करवाकर भू राजस्व का निर्धारण किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही नामक कृषक विभाग का गठन किया। इसके बाद जो हुआ, लोदी वंश का शासक जिसका नाम था सिकंदर लोदी, ये सर प्रथम सुल्तान था जिसने अपने प्रांतियों और जागीरों को अपना व्यय का ब्यौरा तैयार करने को कहा, भाई हम कितना खर्चा कर रहे हैं आपके जागीरदार लोग, उसका लेखा जोखा शासक के पास है। और इसके साथ साथ सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी नामक भूमि पैमाइश प्रणाली चालू की, जो कि अकबर शेरशाह सूरी सबने इसको फॉलो किया आगे आने वाले 31 वर्ष तक। तो हमने क्या कहा, सिकंदर लोदी
ने भूमि से जुड़ी हुई जो काम किए, इसने क्या किया, गज ए सिकंदरी नामक, गज की शुरुआत। ठीक, देखिए भूमि पैमाइश आ गई है, वेली, गज, बिस्सा, डेसिमल। इसने गज ए सिकंदरी नामक भूमि पैमाइश प्रणाली चालू की, जिसका अनुकरण अकबर के शासनकाल तक चला, और इसके साथ साथ यही सर्वप्रथम सुल्तान था जिसने अपने जागीरों को अपना खर्च का ब्यौरा तैयार करने को कहा। अपने खर्च का ब्यौरा तैयार करने को कहा। इसके बाद जो बनता है वो था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ने भी क्या किया, समझ बात को, इब्राहिम लोदी ने एक अच्छी प्रथा चालू की। उसके पहले अलाउद्दीन कर चुका था, जो भू राजस्व लोग लेते थे वो या तो अनाज लेते थे या तो नगद के रूप में लेते थे। लोगों ने नगद या पैसे को ज्यादा टारगेट किया था, लेकिन इब्राहिम लोदी क्या था, इसने जो भू राजस्व कर निर्धारण किया वो केवल अनाज किया। कहा भाई आप जो भी कर देंगे हमको वो केवल अनाज के रूप में देंगे। और ये दूसरा शासक था अलाउद्दीन के बाद, क्योंकि अलाउद्दीन और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के दो ही ऐसे शासक थे जिन्होंने कर के रूप में केवल अनाज लिया। और कहा जाता है अलाउद्दीन लगभग 50% लगा लेता था, मतलब 50% आधा लगा लेता था। फिर मुगल शासन काल चालू हुआ। मुगल शासन काल में शेर शाह सूरी जो द्वितीय अफगानी सत्ता की स्थापना किया था, जो हुमायूं को चौसा और कन्नौज के युद्ध में पराजित किया, वो मुगल के ही बीच में आता, लेकिन वो अफगानी सत्ता थी। अगर भू राजस्व सुधार की बात करें या भूमि सुधार की बात करें, और अगर उसमें हम शेर शाह सूरी का नाम नहीं ले रहे हैं तो हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। सॉरी, क्या बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं? क्या अन्याय कर रहे हैं? रैयतवाड़ी व्यवस्था, किसकी? रैयतवाड़ी व्यवस्था की जो शुरुआत मानी गई वो शेर शाह सूरी के शासनकाल से मानी गई। हाँ बिल्कुल सही, कई लोग जो तैयारी किए होंगे दिमाग में स्ट्राइक कर रहा होगा, अरे सर थॉमस मुर्रो कैप्टन रीड वाला मद्रास के 12 महल जिले में, अभी आगे पढ़ाएंगे। हाँ, उसकी शुरुआत करने वाला शेर शाह सूरी था, क्योंकि जमींदार और जागीरदार जो थे ये मनमाने ढंग से लगान वसूलते थे। भाई मनमाने ढंग से लगान वसूलेंगे, किसानों पर प्रेशर पड़ेगा, और जब किसानों पर प्रेशर पड़ता था तो वो खेती भी नहीं करते थे, अपनी फसल में आग लगा देते थे। इसीलिए सरकार और, समझिए दोस्तों, इसीलिए सरकार और किसानों के बीच में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने वाला, मतलब डायरेक्ट रिलेशन विद द फार्मर्स एंड द गवर्नमेंट, ठीक है, प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने वाला जो शासक था वो सर्वप्रथम शासक कौन था? शेर शाह सूरी था। क्या था? शेर शाह सूरी था। और सरकार और किसानों के बीच में प्रत्यक्ष संबंध जो स्थापित किया, इसी व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना गया। किस व्यवस्था के नाम से जाना गया? रैयतवाड़ी। और इसी के साथ साथ शेर शाह सूरी ने रई व्यवस्था लाई थी। रई व्यवस्था मतलब फसल की दरों का निर्धारण करना। क्या? फसल दरों का निर्धारण करना, उपज के आधार पर कि भाई कितना उपज हो रहा है, इनकी उपज की दर क्या है, वही उसी हिसाब से हम लगा लेंगे, इसी को रई व्यवस्था कहा गया। लेकिन इसके साथ साथ शेर शाह सूरी ने दो और शब्द को जन्म दिया, वो था कबूलियत और पट्टा। कबूलियत और पट्टा, पट्टा आप सुने होंगे, लोग कहते ना भाई हमने पट्टे पे अपना खेत दिया है, हमने पट्टे पे अपना खेत दिया है, हमने कबूलियत नामा लिखवा लिया है। क्या है ये सब वर्ड? हम भले कितने भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन हमें डाउन टू अर्थ ही रहना पड़ता है, क्योंकि हम डाउन टू अर्थ रहेंगे तभी तो हम उस आसमान की ऊंचाई को जानेंगे। ये तो आसमान पे पहुंच ही गए तो फिर जमीन देखेंगे तो खाई में गिरेंगे। तो हमने क्या कहा कि शेर शाह सूरी ही सर्वप्रथम शासक था जिसने कबूलियत नामा और पट्टा की शुरुआत की। किसकी? किसकी? कबूलियत और पट्टा की शुरुआत की। कबूलियत क्या है?
कबूलियत ये था, समझिएगा कबूलियत है पट्टा क्या समझ प्यास रे, किसान और सरकार के बीच में एक निश्चित राजस्व कर देने का या लगान देने का जो निर्धारण होता था उसे कबूलियत या पट्टा कहते थे। जैसे हमने कह दिया कि मालिक हम आपको 10 ठो उपज हो रहा है, हम आपको 4 देंगे, 4 देंगे ना, आप पक्का देंगे ना, हम कैसे मान लें, आप अपनी बात से पलट सकते हैं, चलिए लिख के दीजिए। इसी को कहा गया कबूलियत नामा या पट्टा। मतलब क्या कि सरकार और किसानों के बीच में एक ऐसी बात होती थी कि जिसमें किसान सरकार से यह कहता था कि हम एक निश्चित दर से आपको लगान देंगे, और इसकी भी शुरुआत करने वाला कौन था, शेरशाह सूरी। तो अगर शेरशाह सूरी ने इतने भूमि सुधार किए हैं, भू राजस्व सुधार किए हैं, कृषि में सुधार किया है, तो इसकी भी कोई ना कोई इकाई होगी। अभी मैंने क्या कहा, इसकी भी जो शेरशाह सूरी की भी जो इकाई थी वो गज ही थी, लेकिन इसका जो सबसे बड़ी इकाई थी वो बीघा था। बीघा को आधार बनाया लेकिन जमीन को गज में भी नपवाता था। तो बिस्वा अलाउद्दीन खिलजी, दशमलव मोहम्मद बिन तुगलक, गज सिकंदर लोदी और बीघा, बिल्कुल सही, शेरशाह सूरी। इसके बाद अकबर के शासनकाल में एक व्यक्ति हुआ टोडरमल। टोडरमल को कहा जाता है कि भू राजस्व सुधार में उसका सर्वाधिक हाथ था, क्योंकि अकबर के शासनकाल में रैयतवाड़ी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला टोडरमल था। अब मुद्दा होता है कि स्थायी बंदोबस्त शब्द कहां से आ रहा है, सर यह तो आधुनिक भारत में था। उसी चीज को रिलेट कर रहे हैं दोस्त, हम चाहते तो आपको कोई भी टॉपिक पढ़ा देते, लेकिन हम ये टॉपिक उठाए हैं क्योंकि ये आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमने क्या कहा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर बताते हैं। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार का जो श्रेय जाता है वो टोडरमल को जाता है। टोडरमल अकबर का प्रधानमंत्री भी था, ठीक। टोडरमल ने ही अकबर के शासनकाल में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी, और उसने यह व्यवस्था सर्वप्रथम गुजरात में लागू किया था। और आपको यह भी जानते हैं कि अकबर को जो समुद्र के दर्शन हुए थे वो भी गुजरात अभियान के दौरान ही हुए थे। तो कभी भी आपसे पूछ दिया गया कि टोडरमल ने सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था कहां लागू की थी, तो गुजरात में। लेकिन यहां पर समझिए, स्थायी बंदोबस्त हम टारगेट कर रहे हैं। टोडरमल ने आईने दहसाला, समझिएगा आईने दहसाला लाया था। अब ये आईने दहसाला क्या है, मतलब जमींदारों को 10 वर्ष के लिए भूमि दी जाती थी। दहसाला माने 10, जमींदारों को 10 वर्ष के लिए भूमि दी जाती थी लगान वसूलने के लिए। और कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त में भी 10 वर्षीय व्यवस्था थी, इसीलिए उसको स्थायी बंदोबस्त या जागीरदारी बंदोबस्त या स्तंभदारी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त कहा गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि अकबर के शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त या जागीरदारी बंदोबस्त लागू करने वाला कौन था, तो वो कौन था, टोडरमल था, क्योंकि इसी ने सबसे पहले 10 वर्षीय भूमि कर निर्धारण चालू किया, आईने दशाला चालू किया। चूंकि आईने दशाला चालू करने वाला टोडरमल है, इसीलिए आईने दशाला को हम टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, टोडरमल बंदोबस्त के नाम से। तो मध्यकालीन में ये कई सारे महत्वपूर्ण शासक हुए जिन्होंने कृषि में सुधार किया, भूमि में सुधार किया। लेकिन भूमि के प्रकार भी ये बताएंगे, कितने प्रकार की भूमि होगी, और कर भी पता होगा, क्योंकि बट्टा आ गया, कबूलियत आ गई, तो भाई कर राजस्व निर्धारण वाली बात चालू हो गई। इसीलिए मध्यकालीन में 4 प्रकार की भूमि थी। पहली थी खालसा भूमि,
इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रेय जाता है किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। दूसरी थी इक्ता भूमि, तीसरी थी अश्री भूमि, अश्र भी मिलता है कहीं के, उश्र भी मिलता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं उश्र भूमि। और चौथा, और चौथा था अनुदान भूमि। अब ये चारों है क्या, समझिए। खालसा भूमि जो थी, इसमें सुल्तान के लिए, किसके लिए? सुल्तान के लिए जो राजस्व था वो स्थायी होता था। खालसा भूमि मतलब ये सरकार की भूमि होती थी और इससे जो भी लगान या कराता था वो पूरा का पूरा राजा के लिए होता था। मतलब राजा को दिया जाने वाला जो स्थायी कर या लगान आता था वो किस भूमि से आता था? खालसा से आता था। इक्ता भूमि क्या थी? पहले अधिकारियों को नगद वेतन की जगह भूमि दिया जाता था वेतन के रूप में, तो अधिकारियों को दी जाने वाली भूमि, समझिएगा, अधिकारियों को दी जाने वाली जो भूमि थी वो कौन सी भूमि थी? इक्ता भूमि थी। उष्ण भूमि जो था, जो भारतीय मुसलमानों की कृषक वाली भूमि थी, समझिएगा, भारतीय मुसलमानों की, भारतीय मुसलमानों की जो कृषक भूमि थी वो क्या थी? उष्र थी। इसीलिए अस्र नामक कर लगा था जो कि भारतीय मुसलमानों से लिया जाने वाला राजस्व कर था। और जो चौथा था वो अनुदान भूमि थी। अनुदान शब्द होता है मतलब दान में दिया हुआ, तो जो राजा के द्वारा अधिकारी को ये वेतन की जगह पर दी जाने वाली भूमि है, दान नहीं, ये दोनों डिफरेंस है। अधिकारी को या धर्म आचार्यों को जो भूमि दान में दी जाती थी, जो भूमि दान में दी जाती थी उसे कौन सी भूमि कहते थे? अनुदान भूमि। तो मध्यकालीन में ये चार प्रकार की जो मुख्य रूप से थी भूमि की बंटवारा किया गया था। तो भाई कर भी होंगे, क्योंकि कर की शुरुआत जो मैंने क्या कहा, भू राजस्व निर्धारण और लगान व्यवस्था की जो मुख्य रूप से शुरुआत हुई वो कब से हुई? मध्यकालीन से। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम कर के बारे में बताते हैं। देखिए मध्यकालीन में जो कर थे वो आप लोग सुने होंगे, जैसे लंका बटाई, खेत बटाई, रास बटाई, आपने सुना होगा, बहुत लोग तो को सुने भी नहीं होंगे। तो जो लगान व्यवस्था थी उसमें पहला था बटाई। इसमें सीधा किसान और सरकार के बीच में समझौता होता था और सीधा हिस्सा प्राप्त किया जाता था। हम लिखते चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्त किसी भी एग्जाम के लिए। सरकार और किसानों के बीच में सीधा हिस्सा दिया जाता था। सीधा हिस्सा माने भाई इतनी उपज है, इतना आप लीजिए, इतना हम लीजिए। लेकिन इस चीज को भी क्लियरिटी देने के लिए बटाई को भी तीन भागों में बांटा गया। पहला था खेत बटाई, दूसरा था लंका बटाई, और तीसरा था रास बटाई। तीनों बता सकता है कोई? चलिए, खेत बटाई क्या था? फसल बोई गई, उसी समय कर का निर्धारण कर लिया गया। मतलब फसल बोने के बाद, फसल बोने के बाद लगान का निर्धारण जो किया गया उसे खेत बटाई कहा गया। बीज डाल दिया गया खेत में, भाई निर्धारित किया गया इतना हिस्सा आपका, इतना हिस्सा मेरा। लेकिन इसमें दिक्कत होने लगी। दिक्कत क्या होने लगी कि जैसे सब लोग बो दिए, बांट दिए, कहा गया भाई इतना आपका इतना मेरा, तो जब कटने का टाइम आए तो
उसमें धांधली होने लगे, कुछ लोग काट के चोरी करके लेके चले जाए। इसीलिए इसमें सुधार करने के लिए आया लंका बटाई। लंका बटाई क्या था, इसमें अनाज को, समझिएगा, इसमें अनाज को भूसा से अलग करने के पहले, ठीक, अनाज को भूसा से अलग करने के पहले ही बंटवारा होता था। जैसे पहले गांव में खेती होती, हम लोग जाते थे तो देखते थे, जो हम लोग के यहां जो खेत उत काटते थे तो क्या करते थे, मन, हम लोग के मन बोला जाता था, वो क्या करते थे कि होता था भैया 9 मन मेरा 1 तुम्हारा, तो हम लोगों का छोटा छोटा काटते थे, खुद का ना हमारे 9 से बड़ा होता था, इतना बड़ा। इसमें भी धांधली होने लगी कि भाई जो काट रहा है, जो अपनी कटौनी ले रहा है, वो तो भाई जो मालिक है उससे ज्यादा ले रहा है। इसीलिए फिर आया रास बटाई। रास बटाई में हुआ कि अनाज और, जब अनाज और भूसा अलग हो जाएगा तब हम बांटेंगे। तो इसमें अनाज और भूसा के अलग होने के बाद, के अलग होने के बाद जो बांटा जाता था उसे रास बटाई कहा गया। यह सबसे परफेक्ट है भाई। गेहूं काट के लाए, गेहूं काटने वाला सीजन चल रहा है, कटने वाले लेके आया, उसने अपना हिस्सा बता दिया, इतना लेंगे भाई, जैसे 10 मोनी, मोनी होता है हम लोग, क्या मुझे दौरी चलता है, मुझे वजन में चलता होगा, तो हो गया, मान लो 100 किलो आया, तो 100 किलो में 10 किलो तुम्हारा, 90 किलो मेरा, भूसा में भी तुम्हारा जो हिस्सा। तो इससे सबसे ज्यादा क्लियरिटी आई किससे, रास बटाई से, जिसमें भूसा और अनाज को अलग करके बांटा जाता था। यह था पहला लगान व्यवस्था बटाई, जिसको 3 भागों में बांटा गया, खेत बटाई, लंका बटाई और रास बटाई। दूसरा जो था वो था मापन। मापन शब्द से ही कुछ वर्ड निकल के आ रहा है, नाप कर। तो इसमें भूमि को नाप कर, समझिएगा, भूमि को नाप कर लगान का निर्धारण किया जाता था। क्या, भूमि को नाप कर लगान का निर्धारण किया जाता था। और मापन सबसे पहले फारस में चलता था, और इसको भारत में लाने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। भारत में लाने वाला कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। इसीलिए कहा जाता है भूमि पैमाइश करके राजस्व का निर्धारण करने वाला जो सबसे पहला शासक था वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। और इसी को महासत नाम दिया गया, इसी मापन को, जो कि अकबर के शासन काल तक चला। इसमें भूमि को नाप लिया जाता था कि भाई इतना बीघा या इतना बिस्सा है, इतना बिस्सा का खेत मेरा, इतना बिस्सा खेत फसल मेरा, इतना बिस्सा आपका। तो मापन भी एक प्रकार की लगान व्यवस्था थी जो मध्यकालीन में चालू हुई। इसका लिखना तो लिखिए, इसके थोड़े फिर आगे वाले बताते हैं। इसके बाद था मुक्तय, जिसे कानाकूत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कानाकूत। इसमें क्या था, किसान और सरकार के बीच में, किसान और सरकार के बीच में समझौता हो जाता था, समझौता हो जाता था कि वो उपज का कितना हिस्सा लेंगे। ठीक, इसमें एक सीधा सीधा होता था, किसान और सरकार में समझौता हो जाता था, भाई ठीक है इतना उपज है, हम इतना हिस्सा लेंगे, इतना आपका है। एक और पद्धति थी, वो थी नस्क पद्धति। नस्क ये जनरली कहा, कश्मीर वगैरह के क्षेत्र, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में लागू होता था नस्क। इसमें ना तो भूमि की पैमाइश की जाती थी, ना तो फसल की दरों का निर्धारण किया जाता था। इसमें ऐसे ही जो मन हो ले लिया जाता था। तो कभी भी आपको पूछा जाएगा कि वह कौन सी प्रणाली थी जिसमें ना भूमि की पैमाइश होती थी, समझिएगा, जिसमें ना भूमि की पैमाइश होती थी और ना
फसल की दरों का निर्धारण होता था ना फसल की दरों का निर्धारण होता था और ऐसे ही उपज का हिस्सा लिया जाता था, तो वो कौन सा था? नस्क। बाकी आपको मैंने बताया है क्या क्या, बिल्कुल सही एकदम। बटाई, मुक्तई, जिसे कानाकूत कहा गया, नस्क, इसे जप्ती भी कहा जाता है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ये तमाम प्रकार की भूमि या भू राजस्व या लगान व्यवस्था थी मध्यकालीन से। इन्हीं को आधार बनाया आधुनिक भारत में जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, क्योंकि आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो अगर भारत एक कृषि प्रधान देश है तो कृषि से जुड़े हुए सुधार अवश्य होंगे, इसीलिए अमेरिका में लेखपाल की वैकेंसी नहीं आती है। तो आधुनिक भारत में जो हुआ उसकी शुरुआत हुई वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में। पहला मेथड आया ट्रायल एंड एरर मेथड। कौन सा मेथड आया? ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या था, समझिएगा कि इसमें शासक को भूमि का स्वामी मान लिया जाता था और ऊंची बोली लगाने वाले को 5 साल के लिए कर संग्रह का अधिकार दिया जाता था। अब यहां से आपको ज्यादा ध्यान देना है, आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो पहला जो आया आधुनिक भारत में वो कौन सा आया? ट्रायल एंड एरर मेथड आया। कब आ रहा है? 1772 में। किसके शासनकाल में आ रहा है? वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल। इसमें क्या था, हमने अभी आपको बताया, इसमें क्या था कि शासक को, किसको मतलब राजा को, शासक को भूमि का स्वामी मान लिया जाता था, शासक को भूमि का स्वामी मान लिया जाता था और ऊंची बोली लगाने वाले को, किसको ऊंची बोली लगाने वाले को 5 वर्ष के लिए लगान वसूलने का अधिकार दे दिया जाता था। लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ने लगा बहुत ज्यादा जब ये सारी चीजें चालू हुई, इसीलिए वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया कि 1777 में इसको पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके 5 वर्षीय वर्षीय लगान व्यवस्था चालू कर दी, 1 वर्षीय लगान व्यवस्था चालू किया। तो पहला मेथड हो गया ट्रायल एंड एरर मेथड। इसके बाद भारत में जो आया वो था कॉर्नवॉलिस। कौन था? कॉर्नवॉलिस। इसने भारत में 1792 में स्थाई बंदोबस्त लागू किया। क्या लागू किया? स्थाई बंदोबस्त। किसने? कॉर्नवॉलिस ने। अभी थोड़ी देर पहले आईने दशालम बताया, इसने क्या किया कि जो भूमि थी वो प्रत्येक वर्ष वाला हटाकर 10 वर्ष के लिए जमींदारों को देना चालू कर दिया, ठीक। और सबसे खास बात क्या है, स्थाई बंदोबस्त से टोडरमल तो जुड़ा है लेकिन आधुनिक भारत में स्थाई बंदोबस्त से जॉन शोर जुड़े हुए हैं। कौन जुड़ा हुआ है? जॉन शोर। और इसमें क्या था कि 10 वर्षीय लगान व्यवस्था चालू हुई। किसमें? इसी में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था चालू किया गया और क्या निर्धारित किया गया कि 10/11 हिस्सा राजा के पास और 1/11 हिस्सा जमींदार के पास रहेगा। अब ऐसा कह दिया गया तो जमींदार मनमाने ढंग से क्या करने लगे? लगान को वसूलने लगे। और जब जमींदार मनमाने ढंग से लगान को वसूलने लगे तो भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। और इसी में सुधार करने के लिए फिर आया रैयतवाड़ी व्यवस्था। जो तीसरा है वो है रैयतवाड़ी व्यवस्था। इससे कैप्टन रीड
और थॉमस मुनरो जुड़े हैं। मैंने बताया इसमें किसान और राजा के बीच में क्या होता था, प्रत्यक्ष संबंध होता था। इसकी सबसे पहली खास बात है कि इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1792 में सबसे पहले मद्रास के 12 महल जिले में कैप्टन रीड ने लागू किया था। किसने? कैप्टन रीड ने लागू किया था। लेकिन इसमें जो राजस्व वसूला जाता था वो बहुत ही कठोरता से वसूला जाता था। यही कारण है कि 1833 में विगनेट और गोल्ड स्मिथ ने इसमें सुधार किया और इसे संपूर्ण भारत पर लागू कर दिया गया। लेकिन इसके अलावा एक और व्यवस्था थी जिसे महलवाड़ी व्यवस्था कहा गया। हॉर्ट मैकेंजी इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। कौन जुड़ा हुआ है? हॉर्ट मैकेंजी। इसमें देखिए बाबू, इसमें क्या था, महल शब्द का अर्थ होता है ग्राम या जिला। भूमि का स्वामी, जिसकी भूमि होती थी, भूधारक को भूमि का स्वामी मान लिया जाता था। और इसमें प्रत्येक जिले की उपज के आधार पर लगान निर्धारित किया गया। तो महल शब्द का अर्थ होता है ग्राम या जिला, मतलब जिले के या जिले में होने वाले उपज के आधार को, उपज के आधार से राजस्व निर्धारित किया गया। और इसको सबसे पहले अवध और आगरा के क्षेत्र में लागू किया गया। कहां पर? अवध और आगरा के क्षेत्र। तो आधुनिक भारत में मॉडिफाई करके ट्रायल एंड एरर मेथड, स्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। लेकिन इन सभी बातों से एक खास बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। भारत में पहली बार भूमि का मानचित्रों में पैमाइश करके भू राजस्व निर्धारण करने का प्रवर्तक या जनक जिसे माना जाता है वो कौन थे? मार्टिन बर्ड। सबसे पहले मार्टिन बर्ड ने भूमि का मानचित्रों में प्रयोग किया और पंजीकृत किया। जब हम जमीन लेने जाते हैं तो पंजीकृत होता है ना हमारे नाम पे। सबसे पहले करने वाला कौन था? मार्टिन बर्ड। इसीलिए उत्तर भारत का भूमि सुधार प्रवर्तक, भूमि सुधार का जनक या प्रवर्तक किसे माना जाता है? मार्टिन बर्ड को। और यह बहुत ही प्रचलित सवाल है और कई बार पूछा गया है कि उत्तर भारत में भूमि सुधार का जनक या भूमि सुधार का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो मार्टिन बर्ड को माना जाता है। तो यहां तक यह हुआ प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक के भूमि सुधार। और यहां से पक्का आपके सवाल आएंगे। आप चाहे जो लोग एग्जाम दिए होंगे या जो लोग एग्जाम देते हैं, चाहे वो हाई लेवल का हो या लो लेवल का हो, उन्हें यहां से पक्का आपको सवाल मिलता होगा। अब चूंकि हम ये हमेशा अपनी क्लास में करते हैं, अपनी बैच में हर टॉपिक के बाद प्रैक्टिस कराते हैं, तो इससे आप कितना पढ़े, मेरे साथ कितना जुड़े, इससे जुड़े हुए प्रश्नों को आज मैं आपके साथ कराऊं ताकि आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो आइए प्रैक्टिस पे चलते हैं। कुछ सवाल है, 10-12 सवाल है। तो पहला सवाल आता है कि प्राचीन काल में आय का मुख्य स्रोत क्या था। और हमने ये आपको पहले ही बताया था कि प्राचीन काल में आय का जो मुख्य स्रोत था वो क्या था? कृषि थी। आपके आंसर कमेंट्स में मेरे से पहले आने चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अधेय मात्रक भूमि क्या है? तो अधेय मात्रक ऐसी भूमि है जहां पर बिना वर्षा के वर्ष भर उत्पादन होता था,
बिना वर्षा के वर्ष भर जहां उत्पादन या फसल होती थी उसे अदेव मात्रक भूमि कहा गया। दूसरे प्रश्न से तीसरे प्रश्न पर चलते हैं, चोल वंश की भूमि माप की इकाई क्या थी? आंसर बताइए फट से। बिल्कुल सही, चोल वंश की भूमि माप की इकाई क्या थी? वेली थी। क्या थी? वेली। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, मध्यकालीन का सर्वप्रथम सुल्तान कौन था जिसने भूमि पैमाइश के आधार पर लगान लगाया? यह सवाल आपके एग्जाम में हो सकता है आ जाए, ऐसा अंदर से आवाज आ रही है, तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगले सवाल चलते हैं, दीवाने कोही नामक कृषक विभाग का गठन किसने किया? तो हमने आपको बताया दीवाने कोही नामक कृषक विभाग का गठन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए, किस प्रथा में अनाज से भूसा निकालने के बाद लगान लिया जाता था? यह हो आपको हो सकता है यह भी आ जाए, तो किस प्रथा में लिया जाता था? उसे बटाई के अंदर अगत आता था, जिसे क्या कहा गया? रास बटाई कहा गया। क्या? रास बटाई। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, राई व्यवस्था किसकी है? यह भी बहुत प्रचलित सवाल है, यह राई व्यवस्था जो है वो किसकी है? शेरशाह सूरी की। किसकी? शेरशाह सूरी की। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, आईने दहसाला को और किस नाम से जानते हैं? तो आईने दहसाला को टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? टोडरमल बंदोबस्त के नाम से। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, किसको माना जाता है? मार्टिन बर्ड को माना जाता है। किसको माना जाता है? मार्टिन बर्ड को। चलिए अगले सवाल में चलते हैं, हॉर्ट मैकेंजी किस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं? तो हॉर्ट मैकेंजी महलवाड़ी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। किस व्यवस्था से? महलवाड़ी व्यवस्था से, जो 1819 में सबसे पहले अवध और आगरा के क्षेत्र में लागू किया गया। तो आज की क्लास में इतना ही, बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है, आप इसको प्लीज देखिएगा और अपने कमेंट करिएगा कौन सी चीजें इसमें आपको समझ में आया, कौन सी चीजें नहीं समझ में आई। खैर, इसे जरूर पढ़ लीजिएगा, इतिहास ये पढ़ाने का एक तरीका होता है कि कौन टीचर कैसा पढ़ा जाता है, और हमने इतिहास को एक संक्षिप्त रूप में, चूंकि भूमि से जुड़े हुए सवाल है, तो भू राजस्व सुधार के बारे में आपको बताया। और प्लीज सेहत का ध्यान रखिएगा, ठीक है, घर में रहिएगा, बी होम बी सेफ, और हम फिर मिलेंगे किसी दिन, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।